चैनल एंजल गैबल जैरेट्स। योगिता बिहानी एक बहुत ही एक स्ट्रगलिंग एक इंडस्ट्री में एक एक्ट्रेस हैं, उनके फैंस हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि योगिता बिहानी का किस तरह का फ्यूचर रहेगा प्रोफेशनली भी और करियर वाइज। मैं सब जानना चाहूँगी। मेरे आसपास जो कभी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि योगिता बिहानी जो कि एक बहुत ही अच्छी एक फिल्म इंडस्ट्री में उनका काफ़ी अच्छा उनका एक लेवल है, एक एक्ट्रेस हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत सारे फैंस हैं। योगिता बिहानी के बारे में जानना चाहते हैं कि उनकी 2022 अगर मैं केवल इस ईयर की बात करूं तो किस तरह का जाएगा योगिता बिहानी का। इनका मैं बता दूं, कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा रहेगा और इनको पिता समान किसी व्यक्ति से या सीनियर किसी मेल पर्सन से जो उनको सपोर्ट करता हो उनसे इनको बहुत सपोर्ट मिलेगा। इसमें यह भी दिखा रहा है कि वो कहीं दूर जाने की कोशिश करेंगे, कहीं जैसे कि कहीं नया अपने लिए कहीं बिजनेस खोलना या प्रोजेक्ट्स या फिर कहीं शांति से अपना अपना नया एक नई दुनिया शुरू करना है, ये एक इसमें दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि इस साल ये चाहेंगी कि मैं जितने भी पुराने इनके इश्यूज़ थे, जो भी इश्यूज़ चले आ रहे होंगे, वो सब ये फिनिश करना चाहेंगी कि उन सबको पीछे छोड़ दो और नया आगे सोचो। इसमें ये है, इनके ऊपर ईश्वर की कृपा दिखा रहा है, गॉड की ब्लेसिंग्स हैं, इनको अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद दिखा रहा है। ये बहुत सोशल हो सकती हैं अपने नेचर में, लेकिन यहाँ पे इनको किसी थर्ड पर्सन से खतरा भी है। कोई जना इनके इनके बीच की सारी बातें क्या ये डिसाइड कर रही हैं वो कोई जानने की कोशिश कर रहा है योगिता बिहानी का। यहाँ पे मैं और देखना चाहूँगी कि इस साल इनका क्या दिखा रहा है योगिता बिहानी का। इसमें योगिता का दिखा रहा है कि ये लाइफ में जो कुछ भी प्लान करें, यहाँ पे स्ट्रेटजीज बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे, करियर वाइज दिखा रहा है, काफ़ी एक्सपीरियंस है इनको नो डाउट। और लेकिन इनको थोड़ी सी परेशानी आ सकती है प्लानिंग करते वक्त, कोई किसी चीज़ पे डिसीजन लेते वक्त इनको प्लानिंग में बहुत प्रॉब्लम आई, किसी प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा घिरी हुई सी नज़र आएंगी। और इसमें यह भी दिखा रहा है कि निकलना चाहती हैं ये उस प्रॉब्लम से, निकलने की बहुत कोशिश करेंगी लेकिन प्रॉब्लम में घिरी हुई नज़र आ रही हैं। और इसमें ये भी है कि ये अपने अपने पर्सनल लाइफ प्लस करियर दोनों को ये मैनेज करने की बहुत जद्दोजहद करेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी इनके करियर वाइज भी, इनके पर्सनल लाइफ में भी यहाँ शो कर रहा है। हालांकि ये काफ़ी मैनेज करने की पूरी कोशिश करेंगी, स्ट्रगल दिखा रहा है इनका थोड़ा सा। इनको जो है इनकी जो बुद्धिमत्ता है ना, ये इसमें एंजल्स का मैसेज आ रहा है, इनको उसका उपयोग करना चाहिए, अपनी इंटेलिजेंसी को उपयोग करना चाहिए। अगर ये नहीं करेंगी तो किसी झगड़े में यहाँ पे दिखा रहा है ये पड़ जाएंगी और फिर सिचुएशन जो है हैंडल नहीं कर पाएंगी, बाद में जिससे इशू हो चुका होगा उसको लेकर के बहुत ज़्यादा सोचती रहेंगी, इमोशनल हो जाएंगी, इसमें ये चीज़ दिखा रहा है। तो किस तरह के झगड़े से या गुस्सेले इनका टेम्पर हो सकता है हाई हो जाए, कोई व्यक्ति इनको उकसा सकता है, तो इस चीज़ से बचें ये। मैं और जानना चाहूँगी योगिता बिहानी के बारे में कि 2022 का करियर वाइज प्रोफेशनली मैं जानना चाहूँगी प्रोफेशन वाइज कैसा रहेगा। ये कुछ प्रिकॉशंस थे जो दिखा रहा था ओवरऑल, और इसमें मैं देखूँगी कि इनका करियर वाइज क्या शो हो रहा है। करियर वाइज अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत मेहनत करेंगी, बहुत मेहनती तो है ही है, चीज़ों पर विन करना चाहेंगी। ख़ास तौर से ये अपने प्रोफेशन वाइज तो नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में यहाँ पे दिखा रहा है कि प्यार लव पाने के चक्कर में बहुत कंफ्यूजन इनके माइंड में दिखा रहा है, कंफ्यूज रहेंगी प्यार के मामले में, थोड़ा सा कंफ्यूजन दिखा रहा है इनका। प्यार चाहेंगी, हो सकता है किसी से इनको हो भी जाए, लेकिन कंफ्यूज रहेंगी और सोचती बहुत रहेंगी, चाहेंगी कि मेरी दिमागी शांति जो है वो मैं ठीक से शांति से बैठूं आराम से, लेकिन दिमागी शांति इनकी भंग होते नज़र आ रही है क्योंकि सोचेंगी बहुत, कन्फ्यूजन बहुत है प्यार को लेकर के, प्रेम संबंधों को लेकर कन्फ्यूजन बहुत दिखा रहा है इनके माइंड में। और कोई जना इनको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा, फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगा, कोई जैसे एक व्यक्ति की टांग खींचते रहना, कभी इधर कभी उधर काम कर लिया, कभी उधर काम कर लिया, डिसाइड नहीं कर पा रहे क्या करना है, ये इनके में कन्फ्यूजन की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, दिमागी शांति इनके भंग हो सकती है, शांत वाला माहौल इनको नहीं मिल पाएगा ये चीज़ में। अदरवाइज ये मेहनत करेंगी, प्लानिंग करेंगी, स्ट्रेटजीज कर अपनी बनाएंगी। थर्ड पर्सन की एंट्री भी दिखा रहा है, बस उनसे इस तरह के कोई व्यक्ति है उससे इनको बचना चाहिए। अदरवाइज 2022 मेहनत करेंगी तो बहुत अच्छा है, बहुत इनको जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको जो है
अपने पास आने देना चाहिए, और किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े या इश्यूज जो हैं थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि उसमें दिखा भी रहा है. तो आई थिंक मैसेज इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द एंजल्स. थैंक यू सो मच.